Welcome guys to Tanish Lakhani channel. In this video of mine, I am going to explain you about a type of stepper motor which is variable reluctance stepper motor. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्टेपर मोटर का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के नाम बताए थे. इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं में से एक टाइप डिस्कस करने वाला हूँ जो है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर. ठीक है, तो स्टेपर मोटर में जैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी ना तो प्लीज़ देखिए, तभी ये वीडियो फॉलो करें, अदरवाइज आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी. ठीक है, तो स्टेपर मोटर मैंने जैसे आपको बताया था कि एक ऐसी मोटर है जो स्टेप्स में मेरी रोटेट करती है, यानी मेरा मोशन प्रोड्यूस करती है. जो कन्वेंशनल मोटर, जो एसी और डीसी मोटर्स हैं जिनको कन्वेंशनल मोटर्स कहते हैं, उनसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो कंटिन्यूस मोशन में होती है. बट स्टेपर मोटर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स होती है. ठीक है, और स्टेपर मोटर बेसिकली डीसी मोटर होती है. ठीक है, तो स्टेपर मोटर तो हमें पता है क्या होती है, लेकिन वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर क्या है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक स्टेपर मोटर ऐसी मोटर स्टेपर मोटर है जिसकी जो वर्किंग है वो वेरिएबल रिलक्टेंस पे डिपेंड करती है. ये मैं आपको जब इसकी वर्किंग समझाऊंगा तब बताऊंगा, अभी मैं आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ. ठीक है, वी आर स्टेपर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर. तो आइए इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. तो कंस्ट्रक्शन के सबसे पहले दो पॉइंट होते हैं, क्या क्या होता है हमारा, एक स्टेटर होता है किसी भी मोटर का और एक रोटर होता है. जो हम स्टेटर की बात करते हैं तो इसका जो स्टेटर होता है वो सेलियंट पोल स्टेटर होता है. ठीक है, सेलियंट पोल स्टेटर से हम क्या समझते हैं, जिसके अंदर टीथ होती है हमारे. ठीक है, और जो इसके जो वाइंडिंग होती है, पोल पता चल गया हमको. ठीक है, कोर पता चल गया हमारा कैसा सेलिएंट पोल है, मतलब तीथी दोंगे. ठीक है, और वाइंडिंग जो होगी वो हम यूज करते हैं इधर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग. ये दो वाइंडिंग होती है हमारी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग में क्या होता है, हमारी जो वाइंडिंग होती है ना, मतलब हमारी जो वाइंडिंग है उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. जैसे 36 स्लॉट्स है, ठीक है, किसी भी मोटर के, नॉर्मल मोटर के, एसी मोटर के 36 स्लॉट है. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम थ्री फेज मोटर है और 36 स्लॉट्स है, तो उसके हम क्या करते हैं, 12 स्लॉट्स में, मतलब तीन जगह 12 स्लॉट्स में हम अपनी वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. यहाँ पर क्या है, मेरे पास चार पोल है और चार स्लॉट्स है, या चार तीत कह लो, और चार ही मेरे पास वाइंडिंग है, चार फेज है. तो एक फेज के लिए मेरे पास एक वाइंडिंग है या एक पोल है. ठीक है, वहां पर क्या होता था, मेरे पास 12 स्लॉट्स में मेरी एक फेज की वाइंडिंग आती थी, 12 स्लॉट्स में मेरी दूसरे फेज की आती थी, और 12 स्लॉट्स में मेरी तीसरे फेज की आती थी. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग. ठीक है, तो मेरी वाइंडिंग जो होगी कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगी, मतलब एक पोल पे मेरी एक फेज की वाइंडिंग होगी उसमें. ठीक है, नॉर्मली इसमें जो होता है, हम थ्री फेज या फिर फोर फेज नॉर्मली हम यूज करते हैं. ठीक है, जो इसका स्टेटर होता है. रोटर की अगर बात करें हम, रोटर ऑफ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में क्या होगा, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में रोटर जो होता है, पहली बात फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, एज सिमिलर टू इट्स स्टेटर. स्टेटर भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है. ठीक, इसकी परमिटिविटी जो होती है वो हम हाई रखते हैं. क्यों? ताकि हमको कम एक्साइटेशन देना पड़े. ठीक है, थोड़ी सी एक्साइटेशन से ये ज़्यादा एनर्जाइज हो जाए. ठीक है, आराम से एनर्जाइज हो जाए, तो इसकी परमिटिविटी हाई रखती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रखती है. और जो मेरा रोटर होता है वो स्लोटेड होता है और विदाउट वाइंडिंग. मतलब आपको इस लाइन का मतलब समझ आना चाहिए. स्लोटेड का मतलब क्या, उसमें एक सिलेंड्रिकल का बल्कि सब पीछे ले लिया आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का. ठीक है, उसमें आपने स्लोट काटे. ठीक है, मतलब उसको पीसीज में नहीं रखा, पीसीज में नहीं, उसके अंदर स्लोट्स काटे. ठीक है, टीथ बना दिए. ठीक है, तो वो मेरे स्लोट्स होते हैं. मतलब कैसे, अगर मैं बोलूं तो ठीक है, तो ये आपको दिख रहे हैं ना,
दीज आर कॉल्ड स्लोट्स, ठीक है, और इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती। वाइंडिंग जो हमने देखनी है वो देखनी है वर्किंग ऑफ वी आर स्टेपर मोटर, ठीक है। तो इधर जो मैंने कंसिडर करा है वो क्या कंसिडर करा है, एट पोल सिक्स पोल स्टेपर मोटर, ठीक है। और एट पोल सिक्स पोल का मतलब ये जो पोल है, वैसे पोल अगर ना बोलूं तो एट इज टू सिक्स स्टेपर मोटर, मींस एट पोल किसके, मेरे स्टेटर के जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सिक्स पोल किसके, मेरे रोटर के, ठीक। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, एट पोल सिक्स पोल स्टेपर मोटर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गए। और जो है ये फोर फेज, दिस इज द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ स्टेपर मोटर। अगर मैं किसी स्टेपर मोटर को कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा, फोर फेज एट पोल सिक्स पोल स्टेपर मोटर, क्या फोर फेज एट रेज टू सिक्स स्टेपर मोटर, ठीक है। इसका मतलब क्या, फोर फेज एट पोल जो है वो किसके, स्टेटर के, और सिक्स पोल जो है मेरे रोटर के। तो ये उसकी होगी नेमिंग की बात। अब जो हमने डिस्कस करना है वो क्या करना है, इसकी वर्किंग, ठीक है, ये काम कैसे करती है, ठीक है। तो देखो ये जो आपको ए और ए डैश दिख रहा है, ठीक है, ये पेयर है एक वाइंडिंग का, मतलब कहना चाहो तो ये सीरीज है। एक वाइंडिंग जो है मैंने यहाँ से एक फेज की यहाँ से डाली, यहाँ वाइंड कप करा और वही वाइंडिंग यहाँ कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। मेरे को कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा शो करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दिखाई है। बट बी और बी डैश तो सेम सीरीज में है, ठीक है, ऐसे ये सारी वाइंडिंग सीरीज में है। अब क्या किया मैंने, स्टेपर मोटर में मैंने जब इंट्रो दिया था उसका, तो मैंने ये बताया था कि उसमें क्या यूज करते हैं, हम स्विचेस यूज करते हैं, विच आर सेमीकंडक्टर स्विचेस, जो कंट्रोल करे जाते हैं हमारे पल्सिस के थ्रू, ठीक है। तो वो स्विचेस, तो उन स्विचेस के थ्रू मैं क्या करूंगा, पहले मैंने ए वाइंडिंग में ए और ए डैश को एक्साइट किया, ठीक है, ये मेरा एक्साइटेड था, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा रोटर ऐसे अलाइन हो गया, ठीक है। दूसरा, मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने बी और बी डैश पे सप्लाई दी, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या किया, बी और बी डैश पे सप्लाई दी, ठीक है। अब देखो ये एक्साइट हुए तो इसकी वजह से परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जो परमानेंट होगी, जब तक ये सप्लाई रहेगी तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो आप देखो इस पोजिशन पे और इस पोजिशन पे, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस अगर आप देखो तो यहां का डिस्टेंस जो एयर गैप है, नॉर्मली हम जब टेक्निकल मोटर की बात करें, जनरेटर की बात करें, तो इस चीज को क्या कहते हैं, हम एयर गैप, जो रोटर और स्टेटर के बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ का जो एयर गैप है और यहाँ का एयर गैप है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और ये ही क्या हुआ, एयर गैप कम हुआ ज्यादा हुआ, यहाँ पर कम है यहाँ ज्यादा है, ठीक है। वेरिएशन क्या इसमें आया, मेरे एयर गैप में आया, ठीक है। और एयर जो है रिलक्टेंस, हाई रिलक्टेंस प्रोवाइड करती है। रिलक्टेंस क्या होती है, एक रेजिस्टेंस की तरह होती है। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो मेरे अपोज करती है मेरे इलेक्ट्रिक करंट का, जब हम रिलक्टेंस की बात करते हैं वो मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है, ठीक है। तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा रिलक्टेंस, एयर गैप कम का, एयर गैप का डिस्टेंस कम है स्टेटर और रोटर का, तो एयर गैप कम तो रिलक्टेंस कम, और यहाँ ज्यादा वेरिएशन आया ना रिलक्टेंस में, वेरिएशन इन एयर गैप लीड्स टू वेरिएशन इन रिलक्टेंस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, मेरा ये जो स्टेटर है, ये जो रोटर का टीथ है वो अपने आप को इसके यहाँ ले आता है, ठीक है। कहने का मतलब उसकी अलाइनमेंट क्या हो जाती है, इसके अक्रॉस हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, ये मेरा बी डैश बी था, और ये मेरा बी डैश था, ठीक है। तो जो मेरे टीथ होंगे वो कैसे मूव कर जाएंगे, ऐसे ये वाला टीथ था जो शिफ्टी था थोड़ा सा, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज होगी, ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने बी वाइंडिंग को एक्साइट किया, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं हर वाइंडिंग को एक्साइट करता हूँ, कैसे, पहले एक पल्स दूंगा तो वो क्या करेगी, मेरे बी वाइंडिंग को एक्साइट करेगी, फिर मैं नेक्स्ट पल्स दी वो क्या करेगी, मेरी सी वाइंडिंग को एक्साइट करेगी।
अब आपको रीजन पता चला कि मैं क्यों इसको वेरिएबल रिलक्टेंस से प्रमोटर कहता हूं, क्योंकि ये जब मैं सप्लाई देता हूं इन वाइंडिंग में तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो पोल मेरा नजदीक होता है, ठीक है, वाइंडिंग के, उसके क्या होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब एयर गैप में क्या होता है, कम या ज्यादा होता है पोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मेरी रिलक्टेंस कम या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, ठीक है। इसका मोशन ही वेरिएबल रिलक्टेंस की वजह से होता है, कहीं पर रिलक्टेंस कम है कहीं पर ज्यादा है, ठीक है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि क्या हुआ था, जब मैंने बी फील्ड को एक्साइट किया था, बी फेस को एक्साइट में सप्लाई दी थी, तो क्या हुआ था, मेरा जो कम डिस्टेंस वाला जो मेरा पोल था रोटर का, वो मेरा मूव कर दिया था, उसने अपना अपने आप को अलाइन कर दिया था किसी एंगल पे मेरी बी सप्लाई के साथ, ठीक है। अब बी सप्लाई के बाद मैंने क्या किया, सी सप्लाई को एक्साइट किया, तो ये आपको अलाइन दिख रहा है, ये जो डॉट है नोच जो मेरे ये वाले पोल पे थी वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ये 15 डिग्री का, ये 15 डिग्री कैसे पता चला, इसका स्टेप एंगल है, उसका फॉर्मूला होता है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। मैं अभी ड्राइव करके दिखाऊंगी ये 15 डिग्री कैसे आया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सी को एक्साइट किया, जब मैंने सी पे सप्लाई दी तो क्या हुआ, ये ज्यादा क्लोज है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, ये पीछे भी आ सकता है क्योंकि सप्लाई इसको दी, ये भी अट्रैक्ट हो सकता है और ये भी अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा क्लोज है क्योंकि इसकी रिलक्टेंस कम है, तो क्या होगा, ये इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोबारा से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि वेरिएबल रिलक्टेंस की ही वजह से इसमें मोशन हो रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेप प्रमोटर कहते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कम है, एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस कम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि अब मैंने इसको एक्साइट करा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला पोल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जो पोल है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो नोच फिर थोड़ी उधर होगी, ठीक है, एक स्टेप और मूव हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, एक स्टेप और मूव हुआ, पहले 15 डिग्री हुआ था, फिर मेरा टोटल क्या हो गया 30 डिग्री। ए जब एक्साइटेड था तब मेरा 0 डिग्री पे था, उसके बाद जब मैंने बी को एक्साइट किया वो 15 डिग्री पे आया, ठीक है, उसके बाद मैंने जब सी को एक्साइट किया तो 30 डिग्री हुआ। अब मैं करूंगा डी को एक्साइट, ठीक है, डी को अगर फर्दर एक्साइट करता हूं, डी सप्लाई इस फिगर में देखो, ठीक है, इस स्टेप में बात क्या होगा, मैं डी को एक्साइट कर रहा हूं तो ये इसके लगभग नीचे है, ठीक है, इसकी रिलक्टेंस कम, एयर गैप कम है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अलाइन कर जाएगा, और ये जब इसकी तरफ अलाइन करेगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये थोड़ा और शिफ्ट हुआ, मतलब 15 डिग्री और रोटेट करेगा, हर स्टेप पे ये 15 डिग्री की ओर रोटेट करेगा, क्योंकि इसका स्टेप एंगल हमने निकाला है। वो कैसे निकलता है, वो डिपेंड करता है मेरे नंबर ऑफ पोल्स पे, नंबर ऑफ फेजेस पे, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ रोटर एंड नंबर ऑफ फेजेस ऑफ स्टेटर, क्योंकि सप्लाई ही वाइंडिंग ही हमारी स्टेटर में है, इसलिए उसके फेजेस, ठीक है। तो डी एक्साइट करने पे वो 45 डिग्री, फर्दर फिर मैं ए को सप्लाई दूंगा तो वो फर्दर मूव करेगा। तो हम आपको वर्किंग समझ में आई वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेप प्रमोटर की कैसे हो रही है, सप्लाई देने पे क्या हो रहा है, रिलक्टेंस वेरी कर रही है मेरी, ठीक है, किसी पोल पे, ठीक है, कम रिलक्टेंस है क्योंकि एयर गैप कम है, एयर गैप की विड्थ कम है, ठीक है, उसकी वजह से रिलक्टेंस कम है, और किसी की ज्यादा है जिसकी वजह से मेरा रोटर अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, एक के बाद एक मैं फेज अपने आप ही ऑन करता जाऊंगा, ठीक है, सप्लाई ऑन करता जाऊंगा उसकी, वैसे वैसे वो स्टेप रोटेट करता जाएगा, ठीक है, और ये जो फेस का ऑन होना है वो मेरे पल्सेस के थ्रू कंट्रोल होगा, जितनी मैं पल्सेस दूंगा उतने ही मेरे फेस लाइन वाइज से ऑन होंगे, मतलब चार पल्सेस दी तो ए बी सी डी, ठीक है, चारों लाइन वाइज से ऑन होंगे, वो 45 डिग्री मूव करेगा। फर्दर मैं अगर ए को एक्साइट करता हूँ, अगर फर्दर ए को एक्साइट करता हूँ तो वो 60 डिग्री हो जाएगा एंगल, फर्दर करूंगा तो 75 देन 90, ठीक है, तो इस तरह से वो 360 डिग्री पूरा रोटेट करेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टेप एंगल की बात करूं, स्टेप एंगल की बात करूं कि इस मोटर का स्टेप एंगल कैसे आया, तो मैंने जब आपको बताया था तो उसमें क्या बताया था कि 6 पोल है मेरे रोटर के, 8 पोल है मेरे स्टेटर के और 4 फेजेस है ए बी सी डी, ठीक है। तो स्टेप एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन में एम इनटू में एन आर, मींस एन आर क्या है मेरा
स्टेटर के और रोटर के पोल्स, और एम क्या मेरे नंबर ऑफ फेसेस। तो 360 मेरे फेस कितने थे इस मोटर में, 4 इंटू में एन आर कितने है मेरे, 6, ठीक है। तो 360 अपॉन में 24, 12 के टेबल पे जाएंगे, ठीक है, यह आया 30 अपॉन में 2 और यह आया 15 डिग्री, ठीक। तो मेरा स्टेप एंगल यहाँ से आया था मेरा 15 डिग्री, ठीक है। तो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का बेसिक मेरा यही था कि आपको ये समझ में आ जाए वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर एक्चुअली है क्या, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर भी है, परमानेंट मैग्नेट भी स्टेपर मोटर भी है। उसमें क्या चेंज आता है, जो ये रोटर की कंस्ट्रक्शन में चेंज आता है, जो वाइंडिंग होती है बिल्कुल डिटो ये रहती है, रोटर की कंस्ट्रक्शन में चेंज क्या आता है, उसमें रोटर जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो मेरा स्टेटर होगा और जो रोटर होगा दोनों के दोनों मेरे क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होंगे, जो मैंने वेरिएबल रिलक्टेंस पे करा। बट ऐसा मेरे परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर में नहीं होता, उसमें जो मैं रोटर लेता हूँ परमानेंट मैग्नेट का होता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, ठीक है। तो उसमें फिक्स होते हैं, ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है। अब जैसे मैं वाइंडिंग में सप्लाई दूंगा वैसे वैसे उसमें क्या होगा मेरा, जैसे इसमें सप्लाई दी तो ये मेरा नॉर्थ बन जाएगा, ये मेरा साउथ बन जाएगा, उसी हिसाब से वो अट्रैक्ट और रिपेल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें रोटेशन होती है, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा पाएंगे, ठीक है। तो उसमें और इसमें, परमानेंट मैग्नेट में और वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में यही डिफरेंस है कि ये मेरे इसमें मैं फेरोमैग्नेटिक रोटर यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं परमानेंट मैग्नेट रोटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और टाइप मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में, पार्ट वन वीडियो में, जो था मेरा हाइब्रिड मोटर, जिसपे मैं थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एक और बात, इस वीडियो का कंटेंट जो है मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो आपको वहां से थ्योरेटिकल जो भी डाउट हो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और डू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे, आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मेरे कमेंट में डालें ताकि मुझ तक वो आपके टॉपिक पहुंच सके।